और चलिए आगे बढ़ते हैं। घर वापसी के लिए प्रवासी मजदूरों में जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई है। अभी तक लगभग 3 लाख मजदूरों ने वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। सबसे ज्यादा 30,000 महाराष्ट्र से हैं और सबसे कम 7 मजदूर मणिपुर से हैं। इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को वापस लाना सरकार के लिए चुनौती है। प्रवासी मजदूरों के लिए बने इस कंट्रोल रूम की हलचल अचानक बढ़ गई है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर अब हर कीमत पर वापस घर आना चाहते हैं। सरकार द्वारा बताए गए वेबसाइट और टेलीफोन नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन इस उम्मीद पर करा रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द ट्रेन से उन्हें बुला लेगी। प्रवासी.in की तरफ से सरकार ने जारी किया है कि अपना नाम बताइए, पहले कहाँ पे आप हैं वो बताइए, आपका मोबाइल नंबर बताइए और आपके साथ कितने लोग हैं उनकी जानकारी झारखंड सरकार ले रही है सर। और उसके बाद उस नंबर पे जिस तरह कलेक्ट हो जाएगा सर डाटा, उसको झारखंड सरकार उसको फोन करेगी या मैसेज करके बता देगी कि आपकी सेवाएं जिस राज्य में आप हैं कि आप वहाँ ट्रेन चल रही है, तो उसके थ्रू झारखंड सरकार अपने मजदूर लोगों को लेके आएगी सर। अब तक 3 लाख प्रवासी मजदूरों ने वापसी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से 30,000, गुजरात से 21,000, तमिलनाडु से 18, कर्नाटक से 10,500, दिल्ली से 10,176 मजदूर हैं। नागालैंड से 36, अरुणाचल प्रदेश से 32, सिक्किम से 22 और सबसे कम मणिपुर में 7 मजदूरों ने वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। कॉल सेंटर इस आंकड़े को संबंधित नोडल ऑफिसर तक पहुंचाएगा और फिर वापसी के लिए प्लान बनाए जाएंगे। जैसे तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में जहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री है, इवन गुजरात में वो लोग रुकना भी चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ कहीं कहीं पे खुलना शुरू हो गई है, तो कुछ मजदूर रुकेंगे, कुछ मजदूर आएंगे। नहीं, गोवा में भी कह रहे हैं कि कुछ लोग रुक रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रीन जोन एरिया पे काम शुरू हो रहा है, तो शायद कुछ मजदूर रुकेंगे ऐसा उम्मीद है। लेकिन जो पंजीकृत है वो लोग आना चाहते हैं और लगभग 2 लाख की संख्या है। लगभग एक ट्रेन में 1,250 के आसपास यात्री लाए जा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 3 लाख मजदूरों को झारखंड लाने में कितनी ट्रेनें, कितनी बसें और कितना समय खर्च होगा। कैमरामैन अमिदास के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज 11, रांची।